दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इंडिया ट्रेन एक्सीडेंट की वर्ल्ड कैपिटल बनती जा रही है। आपने भी नोट किया होगा, पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट, कोलोजन्स, डीरेलमेंट्स इतने हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। हालांकि सरकार इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। मणिपुर जैसे बड़ी चीज़ों की सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, तो ये तो फिर भी छोटी चीज़ें हैं। 11 रेलवे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने क्रिटिकल स्टेटमेंट जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। हमने भी एक RTI लगाई थी, बड़ा खूबसूरत रिप्लाई दिया सरकार ने उसका। और इन ट्रेन एक्सीडेंट्स में प्राइवेटाइजेशन का भी एक बड़ा हाथ है। जी हाँ, आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। ये ट्रेन एक्सीडेंट्स इतने फ्रीक्वेंट क्यों हो गए हैं और इन ट्रेन एक्सीडेंट्स के रियल और जेन्युइन रीजंस क्या हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों 2020-21 में 21 ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, जो 21-22 में बढ़कर 35 हो गए। 2 जून 2023 को बालासोर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पर एक ट्रेन हादसा हुआ था, आप सभी को याद होगा, काफ़ी बड़ा हादसा था, जिस हादसे में 3 ट्रेन आपस में टकराई थी। इस हादसे में 293 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1000 के करीब लोग घायल हो गए थे बुरे तरीके से। एक बंगाली न्यूज़ चैनल ने उस सिचुएशन को कवर किया, तो उस ट्रेन के पैसेंजर्स ने बताया था कि इस हादसे के 3 घंटे बाद तक कोई रेस्क्यू टीम हमारे पास नहीं आई, ना कोई मेडिकल टीम हमारे पास आई। इस एक्सीडेंट के 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दोनों आपस में टकरा गई, जिसमें 3 पैसेंजर मरे और 20 से ज़्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हुए। ये ट्रेन टकराने का सिलसिला काफ़ी है, काफ़ी इंसिडेंट्स हैं। कभी ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कभी आपस में टकरा जाती हैं, कभी सिग्नल फेलियर हो जाता है। हादसे तो ये कई सारे हैं, लेकिन हम आज इन हादसों के वजह पर चर्चा करने आए हैं। दोस्तों रेलवे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने एक्सीडेंट को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। सरकार से कहा है कि इन एक्सीडेंट्स की जिम्मेदारी कौन लेगा। जवाब मांगने के साथ साथ उन्होंने कुछ बातें पब्लिक के सामने भी रखी हैं। इन ट्रेन एक्सीडेंट्स को लेकर सरकार हर बार अपनी गलती दूसरों पर डाल देती है, जबकि सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी और इन एक्सीडेंट्स के पीछे रियल और जेन्युइन रीजंस पर फोकस करना होगा। दोस्तों जिस बंगाल एक्सीडेंट का मैंने शुरू में जिक्र किया, उसका रीजन बताया गया सिग्नल फेलियर, कि सिग्नल ने अच्छे से वर्क नहीं किया, इसीलिए ट्रेन ने उसको क्रॉस कर दिया, दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही थी और दोनों ही टक्कर हो गई। सिग्नल फेलियर पर मैं बात करता हूँ। ये जो सिग्नल था, ये दिसंबर 2023 में सिम्सन लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने इंस्टॉल किया था और इसी कंपनी के पास AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है कि ये कंपनी ही मेंटेन करेगी इस लाइन को। दोस्तों जब भी कोई नई कंपनी सिग्नल लगाती है तो एक जर्नल प्रोसीजर होता है कि चीफ लोको इंस्पेक्टर अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग देगा, उस सिग्नल की जानकारी देगा कि उस सिग्नल को कैसे समझा जाए और कैसे उस सिग्नल को ऑब्जर्व करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिम्सन लिमिटेड कैसी कंपनी है? प्राइवेट। तो जो लोग कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के क्या नुकसान है, समझिए। दोस्तों पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही है, जिसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। वो तो ना तो पैसेंजर की सेफ्टी पर फोकस कर रही है, ना ही पैसेंजर के कंफर्ट पर फोकस कर रही है। एक टाइम था जब इंडियन रेलवे को एक अफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता था, काफ़ी लार्ज स्केल पर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इंडियन रेलवे आजकल सिर्फ फोकस कर रही है अपने रेवेन्यू पर, वंदे भारत जैसी एक्सपेंसिव ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस कर रही है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करना किसी भी कंपनी के लिए गलत बात नहीं है, लेकिन उस रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से सेफ्टी कंफर्ट भी तो होना चाहिए। दोस्तों रेलवे के खुद बहुत बड़े बड़े मॉडर्न सिग्नल बनाने की वर्कशॉप है, लेकिन उनको धीरे धीरे बंद कर दिया जा रहा है और वो काम हैंडओवर कर दिया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज को। ये प्राइवेट कंपनी सिग्नल बनाएगी भी और मेंटेन भी करेगी। इसका नुकसान क्या है?
रेलवे के सिग्नल्स को आउटसोर्स करने से नुकसान ये हो रहा है कि अलग अलग प्राइवेट कंपनीज अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ इन सिग्नल्स को इंस्टॉल कर रही है। नई टेक्नोलॉजी का आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोको पायलट्स को ट्रेन करना भी तो जरूरी है। अब इन मल्टीपल सिग्नल्स की टेक्नोलॉजीज को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन एक्सीडेंट्स की एक और मेन वजह है, वो है वर्कफोर्स। इंडियन रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। क्यों? क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट होंगी तो उनको सैलरी भी देनी होगी, जिसकी वजह से रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। न्यू रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है, सेफ्टी पर फोकस नहीं कर रही है, और ट्रेनिंग तो जैसे एक अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर हो गया है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो, सीख लेंगे। दोस्तों, वर्क ओवरलोड का जिक्र करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, 17 जून को वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच भयंकर टक्कर हुई, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई डब्बे तो पटरी से ही उतर गए, इतना भयंकर कोलोजन था। जो मालगाड़ी का LP था, लोको पायलट था, वो पिछले 3 दिनों से लगातार नाइट ड्यूटी करता आ रहा था विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। जब वो रेस्ट कर रहा था, बड़े रूड तरीके से उसको 2 बजे उठा दिया गया और कहा चल ड्यूटी पर, चल ट्रेन पर, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अभी इसका रिसेंट एग्जांपल और है, 3 जून 2024 को अंबाला में एक ट्रेन दूसरी मालगाड़ी के साथ टकरा गई। उसका रीजन भी यही है कि दोनों उस ट्रेन के LP भी, लोको पायलट भी, और ALP असिस्टेंट लोको पायलट दोनों को नींद आ गई। क्यों? क्योंकि वो लगातार चौथी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। रेलवे के कर्मचारियों पर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि आप प्रेस में कुछ नहीं बोल सकते। अगर आपने प्रेस में डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आपकी तुरंत नौकरी चली जाएगी। लेकिन कुछ अंदर के सोर्सेज से मीडिया को यह पता लगा है कि महीने में रेलवे के कर्मचारियों को 12 नाइट ड्यूटी करने पर फोर्स किया जा रहा। तो 2-3 बड़ी मेन वजह है इन एक्सीडेंट्स की, प्राइवेटाइजेशन भी एक वजह है। तो देश में कई लोग प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर हैं, लेकिन हमने तो शुरू से ही इसको अपोज किया है। ढेर सारी वीडियोस हमने प्राइवेटाइजेशन पर बनाई हैं, और इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन काफ़ी बुरे इफेक्ट भी दिखा रहा है, चाहे वो बैंक्स प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो, हमने इसको खूब अपोज किया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।